الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا। मर्द औरतों पर जिम्मेदार हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दे रखी है और इस वजह से भी कि वो अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं, अपनी इज्जत और शोहर के माल की गायबाना हिफाजत करने वाली हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनके हुकूक की हिफाजत की। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो बस उन्हें नसीहत करो और ना माने तो बिस्तरों में उन्हें अलहदा कर दो और फिर भी ना माने तो उन्हें हल्की सी मार मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करने लगे तो उन्हें सताने का कोई रास्ता तलाश मत करो, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। कव्वाम या क़य्यम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फर्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने, उसकी हिफाजत और निगहबानी करने और उसकी ज़रूरियात मुहैया करने का जिम्मेदार हो, यानी मुंतज़िम हो और सरपरस्ती करे और जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाहियत रखता हो। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाकर औरतों के साथ मेहरबानी की है। औरत के फायदे के लिए उसको एक स्ट्रांग सपोर्टर दिया है, एक मददगार दिया है, क्योंकि घर का निज़ाम भी ऐसा ही है जैसे एक ममलकत का निज़ाम होता है, जैसे एक मुल्क होता है या कोई इदारा होता है। तो उस इदारे में कोई उसका सरबराह होता है, कोई उसका मददगार होता है, कोई उसके और कारिंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह कोई भी सिस्टम चलता है, चाहे कोई फैक्ट्री चलानी हो, चाहे किसी कॉरपोरेट में कोई मकाम हो, हर जगह पर ये एक हायरार्की कायम है कि एक जिम्मेदार होता है। चाहे को बस चलानी हो एक ड्राइवर होता है, कश्ती चलानी एक मल्लाह होता है। अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों में हो तो फिर निज़ाम बिगड़ जाता है। जैसे कायनात का निज़ाम एक अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, फरिश्ते उसकी फौजें हैं, वो उसके हुक्म मानती हैं और इसी तरह सारा निज़ाम कायम है। कुछ अल्लाह ने हमें बताया और कुछ तो हमें पता भी नहीं कि किस तरह कोई चीज काम कर रही है। खुद हमारे जिस्म के अंदर ये सब कुछ खुद से खुद कैसे काम कर रहा है हमें नहीं मालूम, अल्लाह ही जानता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि निज़ाम जहां भी होगा, कहीं भी कुछ लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उन पर एक शख्स का जिम्मेदार होना नहायत जरूरी है जो टॉप से सारों की कारकर्दगी को देख सके। और जहां कहीं कोई उलझन हो, कोई गड़बड़ हो, कहीं कोई ब्लॉक आ रहा हो तो उसको वो खोल सके ताकि सिस्टम चलता रहे। तो घर की दुनिया में एक सूरत ये हो सकती थी कि औरत को कमाम बना दिया जाता और एक ये कि मर्द को कमाम बना दिया गया। दीन के एतबार से देखें, अकल के एतबार से देखें, मर्द और औरत की फितरत को सामने रख के देखें तो ये तकसीम जो है बेहतरीन भी है जो अल्लाह की तरफ से है और नहायत मुनासिब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी वजह भी बता दी कि अल्लाह ने मर्द को कवाम क्यों बनाया है। पहली बात जो यहाँ की गई है बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, कि अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी है। ये फजीलत शरफ और करामत की फजीलत नहीं है, यानी आमतौर पर फजीलत का मतलब हम ये समझते हैं कि शायद उस पर फजल ज्यादा हो गया है, यानी उसको फायदे ज्यादा मिल गए हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को तबअन बाय बर्थ कुछ ऐसी खुसूसियात अता की हैं कि जो औरत के अंदर नहीं रखी। औरत को किसी और मकसद के लिए पैदा किया गया और मर्द को किसी और काम के लिए, दोनों का दायरा कार अलग अलग किया गया, एक घर की दुनिया को देखने के लिए, एक बाहर की दुनिया को देखने के लिए। बवक्त जरूरत दोनों एक दूसरे के अंदर और बाहर मददगार हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी तरह रखी गई, तकसीम कार जिसको कहते हैं। और उसमें क्या फरमाया, वबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, और इस वजह से भी कि वो अपने माल खर्च करते हैं। ठीक है, तो मर्द को जो कव्वाम बनाया गया दो बुनियादों पर, एक ये कि वो जिस्मानी एतबार से अकली एतबार से ज्यादा मजबूत है औरत के मुकाबले में, और ये एक माना हुआ फैक्ट, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं लेकिन ये एक मानी हुई बात है कि मर्द स्ट्रांग है और औरत मर्द के तहफ़्फ़ुज़ में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, अपने आप को रिलैक्स फील करती है और उसको अपने कामों के लिए उसकी सपोर्ट चाहिए होती है। और दूसरी बात यह है कि मर्द कमाते हैं, मेहनत करते हैं और औरतों पर खर्च करते हैं। औरत अगर मर्द के मुकाबले में कई गुना ज्यादा भी अमीर हो, फिर भी उसमें से बिलियनियर भी, और अगर अपनी जात पर खर्च ना करना चाहे, अपनी जात पर भी इवन, तो भी उसको इजाजत है। यानी मर्द उसको मजबूर नहीं कर सकता कि मैं नहीं तुम पे खर्च करता क्योंकि तुम तो पहले से बहुत अमीर हो। नहीं, वो अपना खर्चा भी मर्द से लेगी चाहे मर्द उससे कहीं ज्यादा कम कमाता हो। ये जिम्मेदारी दी, यानी मर्द जिम्मेदार है, और जिम्मेदार किस चीज का है कि वो बीवी को नान नफका दे। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मर्द के जिम्मा है कि शादी के मौके पर बीवी को मेहर भी अदा करे, और फिर शादी के बाद उसका नान नफका, उसकी ग़िज़ा, उसका लिबास, उसका इलाज, उसकी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, उसकी एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों पर मर्द ही खर्च करे। याद रखिए, मर्द को अवाम बनाया गया है, औरत पर मुसल्लत नहीं किया गया। कोई जाबिर जालिम नहीं बनाया गया कि वो औरत के ऊपर मुसल्लत हो जाए और वो एक सख्त गीर किस्म का इंसान हो और फिर वो सारा निजाम चलाए। नहीं, मर्द की कवामियत इस बात का तकाजा करती है कि वो औरत के लिए मेहरबान हो, शफीक हो, उसका ख्याल रखने वाला हो, केयर करने वाला हो, उससे तकलीफ दूर करने वाला हो, उसकी जरूरियात पूरी करने वाला हो। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वजूहात बता दी, उसके बाद कोई शक की बात नहीं रहती। हम देखते हैं कि न सिर्फ ये दो चीजें हैं बल्कि तारीख का भी हम मुताला करें तो बड़े बड़े मनासिब मर्दों के साथ ही मखसूस हैं। नबुव्वत हो गई, रिसालत हो गई, इसी तरह नमाज बा जमात में इमामत हो गई, ये सारी चीजें मर्दों के लिए खास हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा मेहनत और जफाकशी की सलाहियत दी है, जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया है, और मर्द को औरत पर राई बनाया गया है, निगरान बनाया गया है। इब्न उमर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। बस अमीर निगरान है और मर्द अपने घर वालों पर निगरान है, यानी मर्द से सवाल किया जाएगा कि उसके घर वाले क्या कर रहे थे। औरत के दीनी और दुनियावी मामलात पर मर्द निगरान है, यानी वो नमाज पढ़ती है या नहीं, दीन के हुदूद को कितना पूरा करती है और किस चीज की खिलाफ वर्जी करती है। तो ये मर्द का फर्ज बनता है कि वो खुद भी दीन के रस्ते पर हो और उसको भी लेकर चले। फिर इसी तरह उसकी जरूरियात जिंदगी पूरी करे। हकीम बिन मुआविया अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि शौहर पर बीवी का क्या हक है। फरमाया, जब वो खुद खाए तो उसे भी खिलाए, जब वो पहने तो उसे भी पहनाए, यानी अपने लिए कपड़े खरीद रहा है तो उसके लिए भी ले, चेहरे पर ना मारे, गाली ना दे, कभी अलग करने की जरूरत पेश आए तो अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह अलग ना करे, घर से किक आउट ना करे, बाहर ना निकाल दे, या ये कि खुद घर छोड़ के ना चला जाए। एक तो है ना बाहमी मुफाहमत के साथ, जॉब पे जा रहा है किसी और मुल्क या कुछ, वो अलग बात है, लेकिन नाराज होके गुस्से में आके ना खुद घर छोड़े और ना उसको घर से निकाले, नाराजगी की सूरत में भी घर के अंदर ही एक दूसरे से अलग हों। ये तो थी मर्दों की जिम्मेदारी। औरत की जिम्मेदारी क्या है? फस्सालिहात कानितातन, नेक औरतें फर्माबरदार होती, यानी औरत के अंदर नेकी होनी चाहिए, फर्माबरदारी होनी चाहिए। यानी कानितात, कानिता का मतलब होता है फर्माबरदार, यानी अल्लाह ताला की इताअत करने वालियां और शौहर की बात मानने वालियां। हदीस में आता है, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। तो ये हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है। फस्सालिहात कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबी बिमा हफिज अल्लाह, यानी हर वो उस चीज की हिफाजत करती हैं जो शौहर की आंखों से ओझल हो, उसमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, माल की हिफाजत, घर की हिफाजत, बच्चों की हिफाजत, राजों की हिफाजत, ये सारी चीजें शामिल हैं। बिमा हफिज अल्लाह, यानी जिन जिन चीजों की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया उन सब चीजों की हिफाजत करती है, और इसलिए भी कि अल्लाह ने इनके हुकूक की हिफाजत की है। बिमा हफिज अल्लाह, बवजह उसके जो हिफाजत की अल्लाह ने किस चीज की, इनके हुकूक की। यानी अल्लाह ने औरत के कमजोर होने के बावजूद उसको मर्द से हुकूक दिलवाए हैं, प्रोटेक्ट किया है, लिहाजा औरत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। याद रखिए, जो शख्स अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला भी उसकी हिफाजत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, अहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। तो जो औरतें हिफाजत करने वाली हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत मिलती है, अल्लाह उनके लिए काफी हो जाता है। क्योंकि इंसान का नफ्स तो इंसान को बुराई पे उकसाता ही रहता है, लेकिन जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फायदा उठाने की चीज है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है, और नेक बीवी खुशबख्ती की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें खुशबख्ती की अलामत है, नेक बीवी, खुला घर, नेक हमसाया, अच्छी सवारी। और चार चीजें बदबख्ती की अलामत हैं, बुरा हमसाया, बुरी बीवी, तंग घर और बुरी सवारी। और बेहतरीन बीवी की सिफात, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि जिसकी तरफ शौहर देखे तो खुश हो जाए, यानी देख के मुस्कुराए, उसके साथ अच्छी मुआशरत रखे, अच्छा मामला करे, बात बात पे झगड़े नहीं। फिर इसी तरह जब कुछ करने को कहे तो कर दे, जिद लगा के ना बैठ जाए, पहले तुम मेरा ये काम करो तो फिर मैं तुम्हारा करूंगी। और जब तुम घर में मौजूद ना हो तो तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें ऊंट पे सवार होने वाली हैं। यानी कुरैश की औरतों की तरफ इशारा था कि कुरैश की वो नेक औरतें हैं जो छोटे यतीम बच्चों पर सबसे ज्यादा मेहरबान हैं और अपने खामंदों के माल की ज्यादा हिफाजत करने वाली। यानी वो औरत ज्यादा पसंदीदा है जो शौहर के कमाए हुए माल की हिफाजत करती है, ना कि कहीं इधर उड़ाए उधर उड़ाए। और बाज औरतें सिर्फ जिद में आके कि वो ऐसा करता है तो उसके माल की है, उसके बच्चों की है, उसके घर की मुझे परवाह नहीं, तो जिद लगाने वाली ना हो, बल्कि हुस्न मुआशरत रखने वाली हो। वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, और वो औरतें जिनके नुशूज के बारे में तुम डरते हो, फ़ाइज़ूहुन्ना, तो उनको नसीहत करो। तखाफूना से मुराद बाज ने जन लिया है, यानी तुम्हारे ख्याल में या तुम्हें यकीन है कि इनके अंदर नुशूज पाया जाता है। और बाज कहते हैं कि तुम डरते हो कि इस नुशूज का नतीजा क्या निकलेगा जो औरत के अंदर पाया जा रहा है। ये नुशूज क्या है? इब्ने कुदामा कहते हैं कि नुशूज का माना है उन मामलात में शौहर की नाफरमानी जिनको अल्लाह ने औरत पर फर्ज किया है। यानी जो काम औरत को करने चाहिए उन कामों को ना करना नुशूज कहलाता है। और ये नून शीन जाई से है, नशाजा का माना होता है बुलंद होना। यानी जब औरत शौहर की बात नहीं मानती तो गोया अपने आप को वो उससे बुलंद, ज्यादा अक्लमंद और ज्यादा बेहतर साबित करती है कि तुम्हारी नहीं मेरी मानी जाएगी, मेरी चलेगी, तुम कुछ नहीं हो। उसको बात बात पे ताने देना और उसको हकीर समझना और उससे नफरत करना और उसको बिलिटल करना और उसको कोई अहमियत ना देना, तो ये चीज किसी भी घर को खुशउस्लूबी से नहीं चलने दे सकती। जिस घर में औरत के अंदर हुस्न सुलूक नहीं, खुश अखलाकी नहीं, जिसमें अदब और एहतराम नहीं, जिसमें औरत अच्छे तरीके से बात नहीं करती, तो घर कभी भी जन्नत का नमूना नहीं बन सकता। छोटी मोटी झड़प, लड़ाई झगड़ा हर घर में हो जाता है, लेकिन एक मुस्तकिल आदत बनाए रखना, मूड ऑफ करके रखना, बात ना सुनना, तकब्बुर करना, नशज़ा का मतलब होता है ऊपर उठना। तुम मनून शिजो आता ना कुरान में, फिर हम उसको खड़ा करेंगे, उठाएंगे। फिर इसी तरह व इज़ा क़ीला लकुमुन शुज़ू फ़न्शुज़ू, जब तुम्हें कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाओ। तो तरफ हो या नुशूज का मतलब होता है उठना, यानी शौहर के मुकाबले में खुद बड़ा बनना और उसकी बात न सुनना और उसके मुकाबले में बदतमीजी करना, बदजबानी करना, बदअखलाकी करना। तो ये चीज घर के माहौल के लिए, बच्चों के लिए, खुद शौहर के रिश्तेदारों के लिए, खानदान के लिए, सबके लिए तकलीफदेह होती। यानी जिस घर में ऐसी बीवी पाई जाए वो घर जहन्नम बन जाता है कि जहां वो रोज छोटी छोटी बात पे लड़ाई छेड़ दे। तो जो औरत अपने आप को शौहर से बेहतर समझती हो, यानी एक तो है कि शौहर बीमार है, कमजोर है, जिस्मानी तौर पर वो ज्यादा ताकतवर है, तो चलो जी आप ज्यादा समझदार हो गए कि ज्यादा काम कर पा रहे हैं क्योंकि शौहर जब वो कुछ इतना कर नहीं पा रहा। लेकिन आम हालात में, यानी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में, शोहर को कोई अहमियत ही ना देना, उसको बेवकूफ समझना, उसको कोई इम्पोर्टेंस ना देना, उसकी बात ही ना मानना, ये सब कुछ नुशूज में आता है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करे शोहर? शोहर चूंकि कव्वाम है ना, उसने घर के निजाम को सही रखना है, तो उसको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी कि अब तुम इस सिचुएशन को अपने हाथ में लो और ठीक करो। पहला काम फाइजू होना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करो, नसीहत करो, समझाओ प्यार से, आराम से, इस रवैये के नुकसान बताओ। यानी नसीहत में क्या होता है आमतौर पर, जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है या एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, हम में से हर माँ अपने बच्चे को किस तरह समझाती है? प्यार से। वाज वो नसीहत होती है जो दिल पे असर करे, और दिल पर बात उतारने के लिए दिल से बात निकालनी पड़ती है, ठीक है। यानी जो दिल से निकलती है वो दिल पे जाके लगती है। तो शौहर को क्या कहा गया कि तुम बीवी को प्यार मोहब्बत से समझाओ कि तुम इस तरह मेरी माँ के साथ ऐसे बात नहीं किया करो, बच्चों को इस तरह नहीं डांटा करो, हमसायों के साथ बदजबानी नहीं करो। कुछ औरतें होती घर की बिल्कुल टेक केयर नहीं करती, कुछ टूट रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ जाया हो रहा है, कुछ और परवाह ही नहीं। और शौहर देखता है कि मैं इतनी मुश्किल से मेहनत करके कमा के लाता हूँ और ये हर चीज जाया कर देती है, खाना है तो वो जाया हो रहा है, घर है तो उजड़ा पड़ा है, कोई घर का काम करने का शौक नहीं, तो ये चीज घर का सुकून बर्बाद कर देती। अब ऐसे में शौहर को सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि वो बीवी को इस सारे रवैये का नुकसान बताए कि ये चीज किस तरह घर की फजा को खराब कर रही है, तो वो भलाई की तरफ रहनुमाई करे कि ये इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मैं करता हूँ, तुम इस चीज को यूं कर लिया करो। अमूमन क्या होता है, जैसे सास बहू का झगड़ा ही रहता है, तो उस झगड़े में शौहर को क्या करना चाहिए? बीवी को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि हमारी वालना है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तुम सब्र कर जाओ, जवाब ना दिया करो, लड़ाई नहीं किया करो। यानी उस चीज को सुलझाए वहां, ताकि घर का सिस्टम ठीक रहे, क्योंकि उस घर में बच्चे अच्छी तरबियत नहीं पा सकते जिस घर में शौहर बीवी की लड़ाई रहे। ये पक्की बात है, वो बच्चे ना अदब सीखते हैं, ना अखलाक सीखते हैं, ना माँ बाप की बात मानते हैं, ना माँ बाप की इज्जत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने एक दूसरे की इज्जत नहीं की। जो शौहर बीवी को गाली देता है वो बच्चा बाप के बारे में बुरा सोचता है, और जो बीवी जवाबन शौहर को बातें सुना रही होती है, चीखती चिल्लाती है, वो माँ की भी इज्जत नहीं करता, लिहाजा दोनों उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। जब वो बड़ा होता है तो ना उसकी सुनता, ना उसकी सुनता है, उसको परवाह ही नहीं, उसका दिल सख्त होता है, उसके दिल में इनके लिए कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। तो आपको तो ये मोहब्बत का रिश्ता दिया गया था ताकि एक अच्छी फसल हो गई आपके घर से, आप कौम और मिल्लत और दीन को अच्छे इंसान फराहम करें, लेकिन आपने लड़ झगड़ के घर को जहन्नम बना के बच्चों को भी बिगाड़ दिया और उनको भी अपने से दूर कर लिया। क्या कमाया? सिर्फ इतना कि तुमसे सब्र नहीं हुआ। तो इसमें दोनों फरीक, ये नहीं मैं कहती कि औरत का कसूर ज्यादा है या मर्द का ज्यादा है, दोनों को फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। फाइजू हुन्ना, मर्द को जिम्मेदारी दी गई, तुम नरम पड़ जाओ, मोहब्बत से बात करो ताकि तुम अच्छी मिसाल बनो। क्योंकि बच्चे जो है, खासतौर पे बेटे जो होते हैं, वो बाप को मिसाल बनाते हैं, तो अगर बाप ही बद अखलाक हो तो बच्चे भी तो गाली देने सीखेंगे, वो किस तरह सीधे मुंह बात करेंगे फिर। तो बहरहाल ये वाज ऐसी नसीहत होती है कि जिससे दिल ठंडा हो जाता है, गुबार निकल जाता है। बीवी को समझाएगा, बीवी रोएगी, अपना दुख बयान करेगी कि मेरे साथ ये और ये ज्यादती हो रही है, तो मियाँ को भी समझ आएगी कि ये इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। आराम से बात करे, क्योंकि जहां पर कम्युनिकेशन नहीं होती ना, अरबी में एक मुहावरा है कि अल बयान यतरुदु शैतान, ये जो बयान करना होता है ना, बातचीत करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, ये शैतान को दूर भगा देता है। शैतान घरों में लड़ाइयां डलवाता है, तो शैतान को भगाने के लिए आपस में कम्युनिकेशन। अच्छा, हम क्या करते हैं, पहले ही मरहले में नाराज होकर बैठ जाते हैं, यानी जहां गड़बड़ हुई वहां बोलचाल बंद। ये दूसरा मरहला है बोलचाल बंद करने का। अब इसी तरह यह है कि बाज़ औक़ात औरत की तरफ से शौहर के मामले में इतनी सख्ती होती है कि वो शौहर को उसका खास हक नहीं देती, यानी ताल्लुक कायम करने से रोक देती, उसकी बात ही नहीं सुनती, तो ये भी नुशूज में आता है। या फिर ये कि अपने शौहर को छोड़कर और मर्दों से दोस्ती लगा लेती है, शायद चैट में या वैसे, या औरों से तो हंस हंस के बातें। यानी बहुत दफा लड़ाई किस बात पे होती है कि कोई दावत हुई, खानदान इकट्ठा हुआ, अब वही बीवी जो अपने मियाँ से सीधे मुंह बात नहीं करती, वो हर मर्द से बहुत खुश अखलाकी से बात करी, हर एक को सर्व करिए, बहनोइयों को, देवरों को, इसको उसको। अब शौहर गैरत खा रहा है कि ये बीवी मेरी है, मेरे साथ तो सीधे मुंह बात नहीं करती और बाकी सबके साथ बहुत खुश अखलाक। वाइस वर्सा। बीवी भी ये देखती है कि मेरे साथ ये हर वक्त बात करता है तो लड़ाई झगड़ा करता है, और जब किसी और औरत से बात करता है तो बड़ी खुश अखलाकी दिखाता है। तो ये चीजें भी आपस में ताल्लुकात को खराब करती हैं। तो नशूज में ये भी शामिल है कि औरत बिस्तर पर शौहर को ताल्लुक कायम ना करने दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और बीवी इनकार कर दे, यानी बिला वजह इनकार कर दे, तो वो जात जो आसमानों में है वो नाराज रहती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला भी नाराज होता है। यानी कोई वजह नहीं। वजह क्या है? कोई मुतालबा रखा हुआ, पहले तुम मेरा ये काम करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और फरमाया हत्ता कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए, यानी अल्लाह ताला उस वक्त तक नाराज रहते हैं जब तक शौहर नाराज है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है, जब कोई शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे। इनकार की कुछ जायज वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे हैज़ और निफास की हालत है, बीमारी है कोई, शदीद थकावट है कोई, या कोई जेन्युइन रीजन है। तो उस सूरत में अगर वो इनकार करती है तो और बात है, वरना अगर सिर्फ जिद में आके इनकार करती है तो फरमाया फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब मर्द बीवी को अपनी जरूरत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि वो हाजिर हो जाए, खाते नूर पर ही हो, यानी कोई भी काम कर रही हो तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बाज खवातीन होती हैं वो बच्चों में इतनी घुस जाती हैं कि बस शौहर से बिल्कुल बेखबर हो जाती हैं, या घर की सफाइयां या शॉपिंग या दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं, और मियां बिल्कुल ही इग्नोर हो गया। तो उसके दिल में फिर गुस्सा है, नाराजगी है, तो ये गुस्सा और नाराजगी उसकी वजह होगी। तो उसमें इंसान ये अच्छा है ना जरा जले, अच्छा है ना जरा ये भी तड़पे, इसने फला मौके पर मुझे ये बात कही थी तो मैं भी इससे बदला लेती हूँ। तो ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर हमने जुल्म किया तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी मोल लेनी। फिर इसी तरह यह है कि खैर और इताअत के कामों में शौहर की नाफरमानी करना भी नुशूज में आता है। फिर इजाजत के बगैर घर से निकल जाना, शौहर जहां जाने से मना करे वहां चल पड़ना, नहीं तुम मुझे कैसे रोक सकते, मैं तो जाऊंगी, सिवाय इसके कि हज उमरा हो जो उसके ऊपर हज की अगर फर्जियत है या इल्म हासिल करने की फर्जियत है कि वो घर में कोई इंतजाम नहीं करके दे रहा, तो उसको निकल के कुछ सीखना है जो उसकी जरूरत है अपनी आखिरत के लिए। फिर इसी तरह घर में उन लोगों को नहीं आने देना चाहिए जिसका आना शौहर को नापसंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा रखना जायज नहीं, ना ही अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में आने की इजाजत दे। और जो औरत जो कुछ भी अपने शौहर के माल में से उसकी सरी इजाजत के बगैर खर्च कर दे तो उसे भी उसका आधा सवाब मिलेगा। यानी दरमियानी सी बात है, करती हो तो कर लो, नहीं तो नहीं, यानी सेमी किस्म की इजाजत है खर्च करने की। कुछ जगहों पर तो अगर कर देती है तो शौहर को भी अजर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो मना करता है कि फलां को तुमने नहीं देना या फलां जगह खर्च नहीं करना, तो फिर उसको रुक जाना चाहिए, हत्ता कि आपस में मुफाहमत डिस्कशन से उसको कन्विंस कर ले कि ये जरूरी है। फिर इसी तरह यह है कि औरत पर मर्द का ये भी हक है कि उसके साथ अच्छे तरीके से गुजारा करे, यानी कि खुश अखलाकी के साथ। इसी तरह मर्द के लिए भी लाजिम है कि बीवी के साथ वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, खुश अखलाकी के साथ उम्दा तरीके से मामला करे। शौहर के हुकूक की अदायगी में ईमान की हलावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत उस वक्त तक ईमान की हलावत यानी मिठास, स्वीटनेस नहीं पा सकती जब तक अपने शौहर का हक अदा नहीं करती, यानी उसको खुशी नहीं मिल सकती। मैं पिछले दिनों एक छोटा सा क्लिप सुन रही थी या पढ़ रही थी कहीं कि अल्लामा अल्बानी से किसी लड़की ने सवाल किया कि शादी से पहले मैं नमाज रोजा करती थी तो मुझे बहुत मजा आता था, मेरे अंदर ईमान की हलावत थी और बहुत मैं महसूस करती थी उसको, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मेरे अंदर से वो ईमान की हलावत चली गई है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने शौहर का हक अदा करती हो? तो उनका कि नहीं, मैं आपसे ईमान की हलावत के बारे में पूछ रही। तो उन्होंने यही हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत उस वक्त तक ईमान की हलावत नहीं पा सकती, यानी उसका नमाज रोजा भी फायदे का नहीं, जब तक अपने शौहर का हक अदा नहीं करती। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान को कोई इख्तिलाफ हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, नहीं दिल मानता होता, लेकिन अल्लाह का हुक्म समझ कर हक अदा करना चाहिए। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है, ये जो भी करता है ये उसका जवाब दे अल्लाह के हाँ होगा। यानी बहुत दफा इंसान मुफाहमत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोगों की आपस में वैसे ही नहीं, मिजाजन नहीं बनती। खानदानों में आपने ऐसे लोग देखे होंगे, दोनों ही अच्छे लेकिन आपस में नहीं बनती, तो भी उसमें इंसान को अल्लाह का हुक्म समझकर शौहर की बात माननी चाहिए मारूफ में। हाँ, अगर वो कहे नमाज नहीं पढ़ो, हिजाब नहीं करो, तो फिर वो नहीं मानेगी। फिर इसी तरह शौहर के घर वालों को अजियत नहीं देनी चाहिए। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब औरत सरकशी करे या शौहर के घर वालों को कलाम या कामों में अजियत दे तो वो भी इसी में शामिल है। किस में शामिल है? नशूज में शामिल है ना, और फाहिशत मुबैना में भी शामिल है। ठीक है, उन्होंने वो आयत पढ़ी थी। फिर इसी तरह यह है कि शौहर की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अस्मा बिन्त ज़ैद अंसारिया कहती हैं, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं अपनी हम उम्र लड़कियों के पास बैठी थी। आपने हमें सलाम किया, फिर फरमाया एहसान करने वालों की नाशुक्री करने से अपने आप को बचाओ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एहसान करने वालों की नाशुक्री से क्या मुराद है? आपने फरमाया, हो सकता है कि तुम में से कोई औरत अपने माँ बाप के यहाँ तवील अरसे तक बेशौहर जिंदगी गुजारती है, फिर अल्लाह उसे शौहर अता फरमा दे और उसके जरिए उसे औलाद भी अता फरमा दे, फिर वो गुस्से में आकर नाशुक्री करे और यूं कहे कि मैंने तुझसे कभी कोई खैर देखी नहीं, तुम्हारे अंदर मैंने कोई खैर नहीं देखी। ये नाशुक्री के कलिमात हैं। तो इस तरह की जबान इस्तेमाल करना जो है वो सख्त नापसंदीदा है। तो ये चीजें थी कुछ जो नुशूज के अंदर आती हैं, लेकिन ये कि कुछ चीजें नुशूज में नहीं भी आती, जैसे शौहर का अल्लाह की नाफरमानी के कामों का हुक्म देना, और या ये कि औरत को कोई ऐसा काम कहना कि जो उसके बस से ही बाहर हो, या फिर यह है कि वो कहे कि अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक ही कर लो, अपने माँ बाप से ही नहीं मिलो। फिर इसी तरह अगर उसकी दो बीवियां हैं और वो कहे नहीं दोनों को मैंने साथ रखना है और वो इस पर राजी ना हो, तो ये नुशूज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से हर एक का अपना क्वार्टर था। और फिर इसी तरह अगर मर्द औरत के जाती माल में से कुछ मांगता है और औरत नहीं देती, मसलन उसका मेहर है, वो कहता मुझे वापस कर दो, वो कहे मैंने नहीं देना, तो ये नाफरमानी नहीं, ये नुशूज नहीं। समझ आ रही है बात? इसी तरह उसने खुद कमाया है, उसकी पेंशन है, उसका माल है, और शौहर कहता है ये भी मुझे दे। बहुत सारी ऐसी जुल्म की मिसालें मौजूद हैं जो खवातीन बताती हैं कि उनका जो जेवर था मेके से मिला, जो उनका जहेज था, जो उनके अपने पैसे थे, जो उन्होंने जॉब की, जो उन्होंने काम किया, सब कुछ शौहर ने समेट लिया, कमाया औरत ने, और वो औरत के हाथ में रहने ही नहीं देता, तो ये ज्यादती की बात है। अगर औरत कह नहीं मैंने नहीं देना और इस पर अगर कोई झगड़ा होता है तो औरत की ज्यादती नहीं है यहाँ, यानी ये नुशूज में शामिल नहीं होगा। ठीक है। फिर इसी तरह यह है कि सिर्फ औरत पर ही ये फर्ज नहीं है कि वो शौहर का ख्याल रखे, मर्द पर भी इस बात की जिम्मेदारी है कि औरत के जज्बात का ख्याल रखे, और उसमें खासतौर पर एक दूसरे के उन जज्बात का कि जैसे मैंने गैरत की बात की ना, कि बीवी को अगर पता चलता है कि हस्बैंड कहीं और औरतों के साथ दिलचस्पी रखता है तो औरत गैरत में आती है और गुस्सा करती है, तो ये बजा गुस्सा है। इसी तरह मर्द अगर देखता है कि बीवी जो है वो उसको कम तवज्जो देती है और औरों को ज्यादा देती है, तो ये भी एक गैरत की बात है, यानी कि एक बजा सी चीज है। तो इस मामले में दोनों को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, आपस में ट्रस्ट कायम करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गैरत फरमाता है और बेशक मोमिन भी गैरत करता है। अल्लाह की गैरत इस बात पर होती है कि मोमिन ऐसे काम का इर्तिकाब करे जो अल्लाह ने उस पर हराम किया है। हराम काम नहीं करने चाहिए, अल्लाह ताला को नापसंद, और इस तरह के आउट ऑफ वेडलॉक जो ताल्लुकात हैं वो भी हराम में ही आते हैं। फिर इसी तरह यह है कि शौहर को अपने बिजनेस या जॉब या काम में इतना मशगूल नहीं हो जाना चाहिए कि घर की सारी जिम्मेदारियां औरत पर डाल के और वो सिर्फ घर आए खाना खाने के लिए या सोने के लिए, तो ये भी ज्यादती की बात है। शौहर का फर्ज है कि वो औरत को कंपनी दे, टाइम दे, बच्चों की जो जिम्मेदारियां उनमें हाथ बटाए, उसमें उसके साथ उसने मुआशरत करे, उससे उसका गम और दुख बांटे। औरत के ऊपर कितना बोझ होता है जब वो सारा सारा दिन इंतजार में बैठी रहती है कि शौहर आए घर और फिर उसके साथ वो डिस्कस करे, कुछ खरीदना है, कुछ जरूरत है, कुछ बेचना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, किसी की शादी। यानी खानदानों के अंदर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें औरत अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, उसको मर्द की मशावरत की जरूरत होती है। और वैसे भी दोनों को एक दूसरे के मशवरे के साथ चलना चाहिए, वो अमरुहुम शूरा बैनहुम। लेकिन जब इंसान मशवरा नहीं करता और एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता, एक दूसरे को बुरे तरीके से ट्रीट करता है या गलत समझता है, तो ये चीजें जो है ये फिर ताल्लुकात को बिगाड़ती हैं, तो इनसे परहेज करना चाहिए। तो फरमाया फाइजू हुन्ना, इनको नसीहत करो, फिर उसके बाद वह जुरू हुन्ना फिल मजाजे। अगर औरत नसीहत से बात नहीं समझती तो फिर क्या है कि उनसे नाराजगी का इजहार करो। किस तरह? बिस्तर में अलग होके, यानी चाहे एक ही बेड हो लेकिन मुंह मोड़ ले, यानी मैं नहीं बोलता तुमसे, ठीक है। या ये है कि बेडरूम छोड़ दे, घर नहीं छोड़ सकता। मजाजे का लफ्ज जो है बेड के लिए भी इस्तेमाल होता है और घर के लिए भी होता है अरबी में, तो घर का माना है, बिस्तर का भी किया जा सकता है लेकिन मुराद घर है। अब यह है कि जब मर्द अपना बेडरूम छोड़कर लिविंग रूम में आएगा तो घर के बच्चों को भी पता चलेगा कि अब अम्मा अब्बा की नहीं बन रही। तो ये चीज एक बड़ी चीज हो जाती है जिसमें बेडरूम से बाहर मसले आ गए, तो ये भी बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात रखती है। इसीलिए देखा गया कि बाज घरों में जब मियां बीवी की लड़ाइयां जारी रहती हैं तो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, बच्चे घर छोड़ देते हैं कि हम रोज रोज ये लड़ाई नहीं देख सकते। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई आपस में नाचाकी है भी तो आपस में नाराजगी हो, लेकिन बच्चों के सामने या उसको एक घर के अंदर तूफान नहीं खड़ा किया जाए, क्योंकि जो औरत मोहब्बत करती है ना अपने शौहर से, उसके लिए बहुत भारी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि शौहर बात ना करे, क्योंकि जिस किसी से भी हम मोहब्बत करते हैं उसकी बेरुखी नहीं बर्दाश्त होती। तो ये चीज औरत के अंदर झुकाव पैदा कर देगी कि नहीं, मैं नाराज नहीं देख सकती, ठीक है जो मैं चाहती हूँ उससे मैं बाज आती हूँ, अपना मुतालबा छोड़ती। इसी तरह अगर औरत जो है वो देखती है कि गलत काम कर रही है या वो देखती है उसका घर खराब होने लगा और शौहर इतना सख्त नाराज हो गया है कि वो उसको छोड़ देने पर तैयार हो गया है, तो फिर भी औरत को होश आ जाती। ये दूसरा स्टेप असल में इसलिए रखा गया है कि औरत होश में आ जाए और अपना घर बचाए। और तीसरा स्टेप यह है वदरिबूहुन्ना, उनको मारो। मारने से मुराद ये नहीं है कि उसको बेतहाशा मारे या उसके मुंह पे मारे या ऐसी मार मारे कि जिससे जख्म आए या कोई हड्डी पसली टूट जाए या जैसे कोई किसी मुजरिम को मारता है, नहीं। इब्ने अब्बास से जब पूछा गया औरत को किस चीज से मारा जाएगा, उन्होंने कहा मिसवाक जैसी चीज, ये भी झंझोड़ने के लिए, क्योंकि बाज जगह पर सर्जरी की जरूरत पेश आ जाती है। लेकिन फिर भी अफजल यही है कि ना मारा जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं मारा सिवाय अल्लाह के रास्ते में। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खादिम या औरत को कभी भी नहीं मारा, और बिलावजह मारने वाले मर्दों की सख्त मुजम्मत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो लोग अच्छे नहीं है कि जो अपनी बीवियों को मारने वाले हैं, और ये भी किस लिए, ताकि घर बच जाए। इस्लाम हर तरह कोशिश करता है घर को सलामत रखने की, घर ना टूटे, आपस के ताल्लुकात बरकरार रहें। और औरत को भी छोटी छोटी बात पर नाराज होकर मेके नहीं चले जाना चाहिए, घर छोड़ देने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शौहर के साथ जिंदगी और शौहर के बगैर जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। इन अतानकुम, फिर अगर वो तुम्हारी इतात करें, बात मान जाएं, यानी जिस बात पे तुम उन्हें समझा रहे हो वो समझ जाएं, फला तबू अलैहिन्ना सबीला, तो उन पे राहें मत ढूंढो, यानी फिर जुल्म के कोई और रस्ते मत तलाश करो, अपनी जबान या हाथ से किसी भी सूरत में तकलीफ ना पहुंचाओ। फला तबू अलैहिन्ना सबीला, इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। मर्दों को यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि अगर तुमने औरत पर ज्यादती की तो याद रखो तुम्हारे ऊपर भी कोई है, और वो कौन है, वो बहुत ही बुलंद है और बहुत ही बड़ा है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत और ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। अगर तुमने जुल्म किया तो फिर खैर नहीं। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا। और अगर तुम्हें उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद इख्तिलाफ का डर हो तो एक मुनसिफ उस मर्द के घर वालों में से और एक मुनसिफ उस औरत के घर वालों में से मुकर्रर कर लो। अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब खबर रखने वाला है। व इन खिफ्तुम शिकाक, शिकाक शिक से है या शक से है। शिक का मतलब होता है जानिब और शक का मतलब होता है पटना, शक्ल कमर। यानी अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात संवरने में नहीं आ रहे, यानी मर्द ने सारी कोशिशें कर ली, तीनों स्टेप इख्तियार कर ली, फिर भी मसला नहीं हल हुआ और रिफ्ट बढ़ती चली जा रही है, इख्तिलाफ बढ़ता चला जा रहा है और हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है और हर कोई अपने आप को सच्चा कह रहा है और दूसरे को गलत साबित कर रहा है, तो फिर क्या करें? सालिस मुंतखब करें, हकम मुंतखब करें। हकम कौन होता है? यानी हकम की क्या शराइत है? कि वो मुसलमान हो, आदिल हो, आकिल हो और मर्द हो। उनको सालिस बनाएं, एक बीवी की तरफ से एक मियाँ की तरफ से। इन दोनों का काम क्या है? कि दोनों तरफ की बातें सुनकर शिकायत पे गौर करें जो एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसको समझाएं, आपस में सुलह कराएं। अगर फिर भी दोनों के दरमियान इस्लाह ना हो तो तफरीक करवा दें, उन दोनों को अलग करवा दें। इन युरीदा इस्लाह युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे, इन मियाँ बीवी गुजारा करना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। तो युरीदा तस्निया का सीगा है, इससे मुराद मियाँ बीवी भी हो सकते हैं और इससे मुराद तरफैन के सालिस भी हो सकते हैं। यानी अगर दोनों तरफ के जो सालिस आए हैं सालसी करवाने के लिए, या हकम आए हैं जो फैसला करवाने के लिए, यानी मुसालहत करने के लिए, अगर उन दोनों की भी नीयतें अच्छी हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुआफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत खबर रखने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिरी और बातनी सब चीजों को जानता है। अलीम और खबीर दोनों में आता है, यानी इंसान के हालात जो एक्शन उसके हैं वो भी देख रहा है, और जो उसके दिल के अंदर नीयत छुपी हुई है वो भी अल्लाह को खूब पता है। अल्लाह ताला उसी के मुताबिक उनका मुहासबा करेगा। इसलिए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त रखने चाहिए कि हमने अगर किसी पर ज्यादती की, दूसरों को कसूरवार बताया, तो फिर क्या है, जरूरी नहीं कि दुनिया में अगर हम सच्चे साबित हो गए गलत होते हुए तो अल्लाह के यहाँ भी सच्चे साबित हो जाए। हर शख्स को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि मेरा मकाम अल्लाह की निगाह में क्या है, क्या वहां मेरा ये बहाना चल जाएगा, वहां मेरी ये दलील काम आ जाएगी, वहां मेरा ये अमल दुरुस्त साबित होगा। तो बहरहाल यहाँ इस आयत में ये हिदायत की गई है कि जहां मियाँ बीवी में नामुआफ़क़त हो जाए और फिर ये कि तलाक तक मामला पहुंच जाए, तो उससे पहले नंबर 1 शौहर क़वाम होते हुए हालात की इस्लाह करे, घर के मामलात की, और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर सालिस मुकर्रर किए जाएं और तस्फी की सूरत निकाली जाए। और फिर अगर नहीं कोई भी सूरत निकलती तो ऐसी सूरत में फिर क्या है, तफरीक करवा दी जाएगी, ताकि फिर हर कोई अपनी अपनी राह ले। उस्ताद, एक तो ये कि ये जो दुआ वाली बात आई है ना, कि अल्लाह ताला से उसका फजल मांगे, अपनी सोचे ना सोच के मांगे। तो कोई बता रहा था कि कोई बूढ़ी खातून थी, वो बुढ़ापे तक ये मांगती रही, अल्लाह ताला आखिरी उम्र तक मेरे हाथ पैर चलते रहे। तो उनकी बेटी कहती है हाथ पैर तो चलते रहे, दिमाग नहीं काम करता। तो इसलिए यानी वो दुआएं जो अल्लाह ताला ने बताई में कितनी बड़ी चीज है कि आप अल्लाह ताला से वो मांगे, फजल मांगे। हमारी जो दुआ भी है ना वो भी लिमिटेड होती है, हम मांगते भी तो बहुत छोटा मांगते हैं, अल्लाह ताला तो ज्यादा भी दे सकता है। और मुहावरतन मांगते हैं दुआएं, हाँ, सुनी सुनाई, जो बड़ों से सुनी वो हम भी बड़े होकर मांगने लगते हैं। एक और उस्ताद बात की, एक खातून ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो उनकी मसला ये था कि उनका हस्बैंड बिल्कुल उनको नहीं देखता था। वो इतनी खूबसूरत औरत थी और उसको ये एक एडिक्शन पड़ गई कि वो अपनी तस्वीरें खींचती थी और आदमियों से दोस्ती करके या उनको तस्वीर भेजती थी, और कहती थी मैं इससे रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे शौक है कि मैं मेरी कोई तारीफ करे। अब ना वो उससे निकलती थी कि छोड़ दे उस खामत को, अगर वो नहीं है इस काबिल कि आपको नहीं देखता तो छोड़। लेकिन हमारे माशरे में उस्ताद साहब ये वे आउट नहीं देते कि अगर नहीं बन रही तो वे आउट है, क्योंकि ये बहुत प्रेशर है माशरे का। या तो शोहर को समझाया जाए, पहले तो आप देखें कितने सारे स्टेप्स। अगर शोहर ये कहे कि अपने रिश्तेदारों को ना बुलाओ और शोहर अच्छा भी हो, फिर बंदा क्या करे। यानी ये तो हिकमत से काम ले, यानी कुछ शोहर को समझाए, कुछ रिश्तेदारों को भी समझाए, कि उनसे पूछे कि किस बात से आपको चिढ़ है, ताकि उनकी वो बात ठीक की जाए। तो शोहर से मालूम करके फिर रिश्तेदारों को उस बात में से कि आपने ये बात नहीं करनी, ये काम नहीं करना कि मेरे शोहर को पसंद नहीं, तो इसलिए मुसालहत कराई जाए बीच में। जी उस्तादा जी, बस यही ख्याल आ रहा था कि जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीजें अगर आजकल की बच्चियों को पता चल जाए, मैं तो कह रही हूँ एक इंशाल्लाह क्लिप बना के सारी बच्चियों के जितने भी मदर्स, यंग मदर्स के ग्रुप्स बने इधर उधर, उसमें डाला जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही जो है वो वहां से फिर भड़क। ये जो है ना हाफिजातुल गायब, यही एक बात जो है वो बहुत ज्यादा है कि वो फजूल खर्चियां और इधर उधर, पहली जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है। घर के राजों की हिफाजत, हस्बैंड को बाजू कहते इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि तुमने घर की बात बाहर क्यों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस छोटी छोटी चीजें सहेलियों से शेयर करने लगते हैं, और मियाँ की हर वक्त शिकायत। मियाँ घर से निकला काम पे तो बैठ गए फोन पे, कुछ माँ बाप को शिकायतें की, कुछ दोस्तों को हर वक्त गिबत की। बिल्कुल। और ये एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा तरीका सिखा दिया अच्छी जिंदगी गुजारने का। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।